जी तो गाइस, ये मेरे मामू हैं, हसनैन भाई, मियाँ हसनैन मखदूम इनका नाम है। मैं इनके पास आया हूँ। ये दरअसल लंगर मखदूम मेरा नानका गाँव है, अम्मी की तरफ से। चलो जी, चलिए चलो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो। आ जाओ जी, थाम पेड़ में। हसनैन भाई, तुसी जिस टाइम असं चलना शुरू किए ना, इन्होंने आख्या यार चलो पैदल चलते हैं, इन्होंने आख्या बाइक से चलते हैं, इन्हें आख्या पैदल चलते हैं। उस टाइम ने सिचड़ नहीं लगे हुए, जो अस पेड़ से चाहे ना लगता नहीं है कि इतने कोई चढ़ाई है। ठीक है, पिछले 10 मिनट तो अभी चढ़ते ही जा रहे, पता नहीं कहड़ा टिब्बा है, पैजन टिब्बा है। आस्ता आस्ता लैके मैं इन्होंने उत्ते ही जाना है। पता नहीं कितने लैके जा रहे हो, कोई ना रब वालू हाथ थोड़ा नेड़े हो जाए, रब भी हाथ पा लवे। अच्छा भाई जान, अल्लाह ताला बांह फाड़ लेने। जिंदगी च काफी फर्क है। मस्जिद है ना? हाँ जी, ये हमारी मस्जिद। पिंड की मस्जिद? बिल्कुल, ये पिंड की मस्जिद है। मस्जिद पिंड च की मस्जिद है? नहीं, अच्छा साडे पिंड च 3 मस्जिद है। ठीक 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 हो गया। 2 मस्जिदा ने एक दरस बनया जिदे च बहुत अच्छी तालीम दी जाती है। ठीक है, दीनी तालीम हो रही है बहुत अच्छी पिछले 4-5 साल तो। माशाल्लाह, ये गेट है मस्जिद। जी जी, ये गेट है। आ जाओ अंदर चले जाओ। मस्जिद से माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन, बड़ी बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत कदीम मस्जिद है। जिंदगी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। लेकिन पिंड की जिंदगी और शहर की जिंदगी ये फर्क है ना कि पिंड सानू कुछ हर चीज़ की सहूलियात मौजूद ने, हर चीज़ की सहूलियात मौजूद ने, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा सही अमल नहीं किया जा रहा। ठीक हो गया हूँ, मतलब है कि इतने कारोबार नहीं है। ठीक है, इतने अगर कोई रात को मसला बन जाता है, कोई शख्स बीमार हो जाता, ज़्यादा हो जाता, सानू वो सहूलत मौजूद नहीं है। डिस्पेंसरी वगैरह इतने नहीं है। ठीक है, सरकारी इदारा भी है, बकायदा सरकारी हॉस्पिटल भी है, लंगर मखदूम में सरकारी हॉस्पिटल भी है, लेकिन ज़्यादा मतलब है कि इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर वगैरह नहीं है उन्होंने। अच्छा, वो अलग पोर्शन बने हुआ है मस्जिद, अलग पोर्शन है वो जरा, वो पोर्शन है ना वो होनी बनया इतना ज़्यादा अर्सा नहीं है, लेकिन यह जरा पोर्शन, हाँ जी जरा परला पोर्शन, यह पोर्शन बहुत कदीम पोर्शन है। अगे ही हुकूमत की मस्जिद है, तो उन्होंने हूँ ही थोड़ा जहाँ टिप टॉप किया। चलो आ जाओ हसनैन भाई, अगे चलते हैं। अपनी जिंदगी की बहुत यादगार चीज दिखाना जिदे जिंदगी 5 साल गुजारे ने। साडा ट्यूशन सेंटर है, 5 साल असि इस जगह ते, बहुत ही कदीम बिल्डिंग है, इत्थे असि 5 साल ट्यूशन पढ़िया। अच्छा हसनैन भाई, इट्टां दे इहदे च बड़ियां बरीक बरीक इट्टां लगियां होईयां? हाँ जी, यह कदीम जमाने की इट्टे और बड़ी मजबूत इट्टे, काफ़ी पुरानी लग रही है ना बिल्डिंग। हाँ जी नैन भाई, तुसी ना उस्ताद उन्होंने कोई गल बात कर रहे सो? उस्ताद जी जी अली भाई, बिल्कुल आ जाओ, मैं तुम्हें उस्ताद उन्होंने मुलाकात करवाना। उस्ताद उन्होंने की किरदार है, मतलब कि उन्होंने क्यों जा रहे हैं? उन्होंने को इस वास्ते जा रहे हैं कि वो बहुत अरसे तो इतने रिहायश ते ने। अच्छा, जी इसी बिल्डिंग वेखी है उसकी गाड़ी बिल्डिंग ते ने, और असल महाजर ने हिजरत करके आए सी, और उन्होंने ये मकानात ये बिल्डिंगा अलग हुई हैं। अच्छा हसनैन भाई ते साहिब भाई, अंदर इंटर होने हैं? ठीक है, चलो जी, चलो जी इंटर होने हैं। मकान के अंदर देखो कितना कदीम जबरदस्त दरवाजा है। चलो अस्सलाम वालेकुम। ये छत भी उदू दे ही ने, अच्छा उस टाइम उस टाइम का ही दरवाजा है जी। ठीक है, उस टाइम इन्होंने को टेक्निक ऐसी कि दरवाजा फोल्ड हो जाता सी। क्या बात, अच्छा वेख इतनी पुरानी लकड़ी है तो अभी तक इस्तेमाल हो रही है। अलमारी चेक करो कितनी पुरानी है, अलमारी के नाल ही बिल्कुल ये भी वो चीज। क्या बात, एक पट जड़ा ना जी, एक पट हां जी, 20 किलो जैसे ज्यादा अलमारी का। अच्छा 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 अच्छा, मतलब मजबूत अच्छा वेंटिलेशन वास्ते जगह है सी। हां जी ये दोनों है ना जी। हां जी, हुन असि 12 जी मौसम खराब हो गया, लोहे दी चादर उस ओदो दी है। अच्छा, लोहे दी जिस तरह होंदे ना चादर। हां जी, उस दौर दी। अच्छा हां जी, ना जंग लगा ना खराब हो जाए, ओके ए तो पा के ने उठे लोहे दी चादर जी। असि तो मेरे निकेर ने नहीं कीते जी। हां जी, बनावट चेक करो जी, माशाल्लाह की भाई हैंड हो। अगर इस दी हिफाजत कीती हुई हुंदी ता जी, ते माशाल्लाह, लेकिन हजे भी सही है, ऐसा हालत है भी ठीक है।
ਉਹਨੇ ਲੱਕੜ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜਰਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਮਰ ਆ ਜੋ ਆ ਬਣਾਵਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। अच्छा साहिब, ये जो घर हम बाहर देख रहे थे ना, जिसकी हमने ये वीडियो बनाई है सारी, छोटियाँ छोटियाँ इट्टा वाले मकान, ठीक है, उस दिन हमने से अंदर खड़े हैं, ठीक है, वीडियो जी सारी पहले ऑलरेडी असी बखा दी हुई है सारी, हसनैन भाई सानू लैके गए उस्ताद हुरां कोल, ते उस्ताद हुरां इस टाइम इत्थे रिहायश पज़ीर ने, ठीक है, इन्हें कोल पुछदे हां कि इन्हां नूं इत्थे रहिंदे होइआं कितना अरसा हो गया। हाँ जी, मैं तो मतलब पहले ही इत्थे होइआ। अच्छा जी जी, मेरे मतलब कि वालदैन माइग्रेशन करके 1947 इत्थे आए सन जी, ये उदों सानू मतलब गवर्नमेंट ने अलाट किया सी मकान। अच्छा, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफों तुहानू ए अलाट है। हाँ जी, क्योंकि असं पिछे जिहड़े साडे वालदैन छोड़ के आए सन अपने जो भी प्रॉपर्टी वगैरह उहदे मतलब बदले सानू ए मकान मिलिया रिहायश लई इत्थे, ते उदों मतलब 47 मेरे वालद साहब जिहड़े ने ओह 5वीं क्लास दे स्टूडेंट आए सन जदों माइग्रेशन होई इत्थे आए ने। ठीक, ते वह फिर उन्होंने वफात पाया में कम अज कम 6 साल हो गए ने, और 83 मतलब उन्होंने उम्र है से जो वफात हुए ने, मतलब कि उस टाइम ये मौजूद सी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग जी साढ़े तो मतलब है पाकिस्तान बनने तो पहले दी मौजूद है बिल्डिंग जी। तो ऐसे कोई तब्दीली वगैरह हुई उस तो बाद या जिवे है सी उस तरह नहीं, उस तरह ही तक खड़ी। इस तरह ऐसी कोई तब्दीली नहीं की, सिवाय कोई बाथरूम वगैरह या चीज और कोई तब्दीली नहीं की, बिल्कुल सेम वही चीज है। ਇਸਦਾ ਅਹਾਤਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜੀ ਰਕਬਾ ਇਸਦਾ ਹੈ ਜੀ 6 ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਕਮਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲ ਕਮਰਾ ਸਾਰਾ, 6-7 ਕਮਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾ ਸ਼ਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਖਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਲੇ ਸ਼ਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਆਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 100 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ 150-100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 150 ਸਾਲ। ਤੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਬਾਈ ਸਨੈਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਬਹ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਨੈਨ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਮਖਦੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਨੈਨ ਭਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।